आप सभी को नमस्कार। और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इंडियन साइंस कम्युनिकेटर्स ग्रुप, भारतीय विज्ञान संचारकों का समूह, इसमें अनिल त्रिपाठी सर एक बहुत ही उम्दा शख्सियत के मालिक, जो कि पूरे हमारे देश में लगभग सभी को आमंत्रित करते हैं अपने तरफ से कि आइए और साइंस के बारे में कुछ ना कुछ आप जरूर करें। तो हम लोग बहुत लकी हैं, बहुत खुशकिस्मत है कि एक हमें ऐसा मंच प्रदान किया जाता है, और दूसरा यहाँ पर एक से बढ़कर एक उम्दा शख्सियत यहाँ पर आती हैं और वो अपने ज्ञान का प्रकाश कहीं ना कहीं हमारे जो माइंडसेट्स हैं उनको चेंज करने में मदद करती हैं। क्योंकि दिनों दिन जो है साइंस के प्रति जो लोगों का रुझान है वो बढ़ रहा है, और इसमें जो फील्ड में काम करने वाले शख्सियत हैं वो बहुत मात्रा में, मैं समझती हूँ, उत्तरदायी होते हैं, और इस तरह से वो अपना जो अपने ज्ञान का प्रकाश है उसको फैलाते हैं। ये एक मंच मिलने से ही हो गया। पहले हम लोग जिस भी स्टेट से बिलोंग करते थे उस स्टेट में तो हमें लोग जानते थे, लेकिन अगर पूरे इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो है ये एक बहुत अच्छा मौका है कि जहां पर हमें एक से बढ़कर एक शख्सियत से ज्ञान का भंडार सुनने के लिए मिलता है। तो ऐसे ही आज के ज्ञान का भंडार बिखेरने के लिए आ रहे हैं, आज आएंगे हमारे जो सर हैं, उनका नाम है श्री अंजन बानिक और ये त्रिपुरा से हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके पास इतना कुछ है। he is very blessed, very dedicated, very talented कि अगर हम बात करें तो लगता है मुझे कम से कम आधा घंटा तो मुझे ही चाहिए होगा। तो चलिए हम उनके बारे में जानते हैं, उनके पास क्या क्या किस तरह की टैलेंट के से उनको जो है जो हासिल हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी आपको कि अंजन बानिक इज अवार्डेड साइंस कम्युनिकेटर एंड साइंस एजुकेशन एंड active for last 20 years in the field of science popularization at Tripura state level. आप त्रिपुरा से हैं और आप लगभग 20 सालों से ये काम कर रहे हैं। North East India level and at the national, even international level. उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही काम किया है, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर रहे हैं। Sir is serving for last more than 10 years as national chairman of DASA India. जो DASA India जो एक organization है उसमें वो 10 साल से chairmanship कर रहे हैं। This is national voluntary organization operated at national and international level from its head office in Agartala. ये जो त्रिपुरा का जो हमारा ये है अगरतला, वहां से जो है ये इसका हेड ऑफिसर वहां से ये ऑपरेट होता है। इज अ रजिस्टर्ड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। वॉलंटरी जुड़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ये साइंस कम्युनिकेटर्स के लिए है। बीइंग द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इट्स काइंड एंगेजिंग लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड साइंस कम्युनिकेटर्स इन इंडिया। पूरे देश से इन्होंने विद्यार्थियों को और टीचर्स को जोड़ रखा है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत तरह का ज्ञान बिखरा हुआ है और उसको एक जगह समेटने में ऐसे प्लेटफॉर्म्स बहुत मदद करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सर इज ऑल्सो एक्टिव एज नेशनल चेयरमैन ऑफ द लार्जेस्ट काउंसिल प्लेटफॉर्म ऑफ साइंस लविंग स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर साइंटिस्ट इन इंडिया, दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ स्टूडेंट साइंटिस्ट इंडिया। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। एंड लार्जेस्ट काउंसिल प्लेटफॉर्म ऑफ साइंस टीचर्स रिसर्चर्स इंस्टीट्यूशन फैकल्टीज एंड इन सर्विस ऑफ सुपर एनुएटेड साइंटिस्ट इन इंडिया। नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्चर टीचर साइंटिस्ट इंडिया ऑल्सो ऑफ साइंस राइटर्स एसोसिएशन ऑफ त्रिपुरा एफिलिएटेड अंडर विपनेट ऑफ विज्ञान प्रसार मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा ये है कि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हमें भी पता चलेंगे कि कहाँ कहाँ पर जो है ये है, और सर जो है इसको सर्व करते हुए या इससे जुड़े हुए उन्हें एक लंबा समय हुआ है। वॉज अपॉइंटेड एंड परफॉर्म देन ड्यूरिंग 2020 to 2021 एज नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द नेशनल वर्किंग कमिटी
ऑफ द लार्जेस्ट काउंसिल प्लेटफॉर्म ऑफ टीचर्स इन इंडिया, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर साइंटिस्ट इंडिया। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर साइंटिस्ट इंडिया के लिए 2020 और 2021 में जो है सर ने ज्वाइंट सेक्रेटरी का अपना दायित्व वहां पर निभाया। सर्व्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2021 एज डायरेक्टर ऑफ त्रिपुरा स्टेट ऑफ बोथ ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर साइंटिस्ट इंडिया एंड एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल काउंसिल ऑफ यंग साइंटिस्ट इंडिया। ये जो दोनों हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, आप बहुत अच्छे से इन्हें जानते भी हैं, और ये एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने 2020 और 2021 में जो है इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन को अपना समय दिया, उनमें काम किया। उसके बाद ही इज अवार्डेड सॉरी सर्विंग अंडर डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा इंडिया एज सीनियर असिस्टेंट टीचर। आप सीनियर असिस्टेंट टीचर के पद पर कार्यरत हैं त्रिपुरा स्टेट में। उसके बाद ही इज अवार्डेड विद द सर्टिफिकेट ऑफ टीचर इनोवेशन अवार्ड 2019 बाय श्री अरबिंदो सोसाइटी ZIII पुडुचेरी। जो ZIII जीरो इन्वेस्टमेंट पे जो काम करते हैं, वो जो संस्था है जिस उन्होंने जो है सर को टीचर इनोवेशन अवार्ड 2019 से नवाजा था। उसके बाद द नेशनल बेस्ट साइंस टीचर अवार्ड 2018 बाय RSTF एफिलिएटेड अंडर विपनेट ऑफ विज्ञान प्रसार मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारा एक विशेष शाखा है जिसमें कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसका भी अपने आप में एक शाखा है जिसको हम विज्ञान प्रसार बोलते हैं, जो कि साइंस के जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो उनसे जुड़े होते हैं और वो बहुत फील्ड में काम करते हैं। तो ये भी सर को यहाँ पर भी जो नेशनल बेस्ट साइंस टीचर का अवार्ड यहाँ पर मिल चुका है। अवार्डेड वर्चुअली विद सर्टिफिकेट द साराभाई नेशनल ऑनररी टीचर साइंटिस्ट अवार्ड 2021 ऑन 5th September 2021 National Teachers Day by NCTS India and RSTA for promotion of science communication and science education among the students at national and international level। तो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं आपको दो तरीके से दो जगह से मिले हैं। सारा भाई जो ऑनररी सॉरी सारा भाई नेशनल ऑनररी टीचर साइंटिस्ट अवार्ड, और साथ ही साथ जो है ये RSTF के द्वारा भी इनको जो है ये अवार्ड दिए गए हैं। और ये जो दोनों अवार्ड हैं ये सिर्फ नेशनल पे नहीं है, ये इंटरनेशनल भी काम करते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। उसके बाद अवार्डेड विद सर्टिफिकेट ऑफ द UN वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हीरो 2019 बाय UNEP, UN से था ये, ऑन वेंसडे 2019 टीम फॉर प्रमोशन ऑफ वियरिंग मास्क टू बीट एयर पॉल्यूशन इवन ड्यूरिंग द प्री कोरोना सिचुएशन। एज वी ऑल नो वेरी वेल दैट की बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन है, और हम AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये रूटीन में ही जो है, तो आप ये देखिए कि कहाँ कोरोना में आने के बाद, कोरोना का एमर्ज होने के बाद हम लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया, लेकिन इन्होंने एयर क्वालिटी का वो देखते हुए कि कितना पुअर है और हमारे लंग्स को कितना नुकसान पहुंचाता है, तो सर ने बिफोर हैंड ही इसको करना शुरू कर दिया था। तो ये भी उनके इसमें एक झोली में एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अवार्डेड विद सर्टिफिकेट एज सिलेक्टेड एज द डिस्ट्रिक्ट राउंड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर नेशनल अवार्ड टू टीचर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन 2021 एट धलाई त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट फॉर इज साइंस कम्युनिकेशन कम्युनिकेशनल एंड साइंस एजुकेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन। इनको जो है नॉमिनेट किया गया था, सॉरी अवार्ड दिया गया था डिस्ट्रिक्ट राउंड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर नेशनल अवार्ड के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि साइंस के प्रति इनके रुझान को देखते हुए ये चीजें इनको मिली है। सर इज ड्रीमिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग वेरियस मेगा नेशनल इवेंट्स एज नेशनल चीफ प्रोग्राम कन्वीनर कोऑर्डिनेटर एंड चीफ ऑर्गेनाइजर सच एज इंडिया इंटरनेशनल साराभाई स्टूडेंट साइंटिस्ट अवार्ड, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल साइंस कार्टून अवार्ड एंड सर JC बोस इंटरनेशनल साइंस एंड मैथ पपेट्री फिल्म फेस्टिवल अवार्ड सिंस 2020। Assignments based online activity submission programs also for both teachers and students to motivate towards science and mathematics education।
दोज हु वॉन्ट टू स्प्रेड द थिंग्स अबाउट द साइंस, दे आर ट्राइंग दे आर वेरी बेस्ट टू यूज मेनी मेथड्स. सो ये पपेटरी जो है वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी कला है जिसके द्वारा कि साइंस को पढ़ाया जाता है. इसमें भी सर को जो है अवार्ड मिल चुके हैं. ही इज रिसोर्स पर्सन एंड लाइफ मेंबर ऑफ डिफरेंट प्रेस्टिजियस नेशनल एंड ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. जस्ट अ मिनट. ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन कोलकाता, इंडियन साइंस राइटर्स एसोसिएशन एंड एशियन मीडिया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेंटर सिंगापुर. ये रिसोर्स पर्सन है इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के. He is in his career also served as prominent journalist. इन्होंने जर्नलिस्ट का भी काम किया है, रिपोर्टर का भी काम किया है और कॉलम राइटर के तौर पर भी इन्होंने काम किया है. Of various local and global level media organizations also such as Sanjayan Patrika, Maitri Sambad and HFT newsletter of Tripura and NCSTC government of India supported science paper वैज्ञानिक दृष्टिकोण and वैज्ञानिक सोच ऑफ एनसीटीएस इंडिया. आजकल ये बहुत हमारा जो है दृष्टिकोण के बारे में और सोच के बारे में बहुत कुछ चल रहा है और ये बहुत खुशी की बात है कि सर ने इन्हीं विषयों पर जर्नलिस्ट का, रिपोर्टर का और कॉलम राइटर का काम इन्होंने किया है और इनको बहुत सारी पत्रिकाओं ने इनको ऐसे मौके भी दिए और जिसमें इनके लेख भी छपे हुए हैं. ही वॉज इन्वॉल्व इन एडिटिंग एज ऑनरेबल एडिटर ऑफ डेडलाइन अगरतला साइंस एंड सोशल मंथली न्यूज व्यूज पेपर. जो ये एक पेपर है जिसका नाम है आपका साइंस एंड सोशल मंथली न्यूज जो कि महीने में एक बार निकलती है, इसमें भी इन्होंने एडिटिंग का काम किया हुआ है. उसके बाद ही इज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन धर्मनगर चैप्टर त्रिपुरा, Science Writers Association of Tripura, India and veteran member of Agartala Press Club, Tripura Educational Society Tripura, Hepatitis Foundation of Tripura, Bodh Jung School Alumni Agartala, Ramakrishna Vivekananda Vidya Mandir Alumni, Tripura Mountaineering Foundation. So, ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के सर जो है फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं. देयर वाज सो मेनी रिसर्च वर्क स्पेशली 16 रिसर्च पेपर्स आर इन हिज क्रेडिट व्हिच हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड इन प्रेस्टिजियस जर्नल लाइक इंडियन जर्नल ऑफ साइंस कम्युनिकेशन ऑफ एनसीएसटीएस डीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी लिखे हुए हैं और लगभग 16 रिसर्च पेपर्स जो हैं वो इनके खाते में हैं और ये बहुत जगह छपे भी हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं एनसीएसटीएस की. एंड वेरियस कॉन्फ्रेंस एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ और सोवेनियर्स अपार्ट फ्रॉम आल्सो बीन प्रेजेंटेड इन डिफरेंट नेशनल एंड ग्लोबल लेवल कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज बाय एनसीईआरटी. एनसीईआरटी जो है हमारा जो नेशनल कुरिकुलम बनाते हैं वो वाली हमारी संस्था है. आरआईईएस ऑफ एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हिज साइंस एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन एंड इम्पैक्ट आउटकम्स ऑफ साइंस एजुकेशन स्टडीज इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन हैज आल्सो बीन अप्रिशिएटेड एंड डॉक्यूमेंटेड बाय एनसीईआरटी, आरआईईएस ऑफ एनसीईआरटी एंड इग्नू, सीएसआईआर, विज्ञान प्रसार एंड एनआईएस, सीपीआर, आईआईएससी, आईआईएसएफ एक्सेट्रा. तो सर को जो है ये बहुत उनके खाते में एक बहुत अच्छी बातें हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी है, कुछ हमारे एनजीओस भी हैं और कुछ हमारी दूसरी संस्थाएं भी, स्वायत्त संस्था भी है, इनके द्वारा जो है सर का बहुत अच्छा जो है इनको बहुत सारे अवार्ड्स इनकी तरफ से मिले हुए हैं. ड्यू टू हिज रिसर्च एफर्ट रिसर्च पेपर्स ऑन दीज इवेंट्स इंडिया इंटरनेशनल साराभाई स्टूडेंट साइंटिस्ट अवार्ड थ्रू साइट्स गूगल sites.google.com view Saraabhai Sa, Dr. APJ Abdul Kalam International Science Cartoon Award and Sir J.C. Bose International Science and Maths Puppetry Film Festival Award since 2020 has been appreciated to present at its different educational science seminar conference of NCERT, RIES of NCERT and IGNU, CSIR, Vigyan Prasar, CSIR, NIS, CPR,
CSIR, NIS, CAIR, Ministry of Earth Sciences, ICHR of Ministry of Education and IAASE, कुंजाबन एंड SCRT गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, ये हमारी जो विभिन्न संस्थाएं हैं, चाहे वो हमारी गवर्नमेंटल हैं और चाहे वो हमारी सेंट्रल लेवल पे हैं, चाहे वो हमारी स्टेट लेवल पे हैं, उन सभी में जो है सर को काम करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है। ही इज वन ऑडियंस कैचर रिसोर्स पर्सन फॉर रेडियो टॉक्स स्पेशली एट ऑल इंडिया रेडियो, और ये ऑडियंस को जो है कैच करने में बहुत अपना रखते हैं, दावा रखते हैं, और इनको जो है यहाँ पर इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पे से टॉक्स दिए हैं। टीवी टॉक शो एंड डिफरेंट वेबिनार्स ऑफ डिफरेंट नेशनली एक्रेडिटेड ऑर्गेनाइजेशंस एज ही अटेंडेड सेवरल सेशंस। अगर आप में कुछ काबिलियत है तभी आपको बुलाया जाता है, तो ऐसे ऐसे जगहों पर भी सर को बुलाया गया है। अंजन बानिक इज एन एक्टिव मेंबर सिंस मेंबर साइंस कम्युनिकेटर ऑफ इंडियन साइंस कम्युनिकेटर्स ग्रुप अंडर लीडरशिप ऑफ अनिल कुमार त्रिपाठी जी ऑल्सो। सो ये हमारे इस जो जिस प्लेटफॉर्म पे आज हम उनको सुनने जा रहे हैं उसके भी जो है वो मेंबर है। ही इज अवेलेबल एट सोशल मीडिया एट फेसबुक एज अंजन बनिक डॉट राइटर एंड एट यूट्यूब एज यूजर टाइटल ऑफ अंजन राइटर। अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं तो अगर आप इनका फेसबुक अकाउंट है वो अंजन पानिक डॉट राइटर के नाम से है, और अगर आप बात करें यूट्यूब की तो वहां पर ये जो है अंजन राइटर के जो टाइटल है उसके अंडर ये अपना अपना हिस्सा रखते हैं। तो आप जो है इनको अगर फॉलो करना चाहते हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे तो वहां जाकर आप इनको देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि उनकी कितनी काबिलियत है और वो कितने सारे अवार्ड्स, कितनी सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कितनी जगह उन्होंने अपने रिसर्च पेपर्स भी प्रकाशित करवाए हैं, वो कितने सारे शोज में अवेलेबल हैं, वो कितनी सारी जो हमारी गवर्नमेंट की डिफरेंट जो है डिफरेंट हमारी जो जो प्रोसेसेस चलते रहती हैं उसमें भी, क्योंकि साइंस के प्रति कहिए या फिर हमारे जो जनरल जो हमारी डे टू डे की हैं बातें उसमें भी, क्योंकि आप जानते भी अंधविश्वास और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि बहुत सारे साइंस कम्युनिकेटर्स की जरूरत है, तो वहां पर उस स्थिति में भी सर जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आइए हम सर का स्वागत करते हैं और आज के इस प्रोग्राम में उनके द्वारा हम सुनते हैं कि क्या हमें वो बताने जा रहे हैं। तो आज का जो उनका टॉपिक है उसका नाम है कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रिंसली स्टेट त्रिपुरा टू मॉडर्न इंडियन साइंस। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत आज के कार्यक्रम में, और उम्मीद करते हैं कि हमारा जो नॉलेज है वो आप और एनरिच करेंगे। और बधाइयां हो आपको कि बहुत सारे आपके नाम, बहुत सारी संस्थाओं के जो है अवार्ड्स हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से अपने नॉलेज से हमारे जो हमारा साइंस का जो पर्टिकुलरली काम है उसको आप और भी आगे बढ़ाएंगे। तो आइए, आपका स्वागत है, और अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको इनवाइट करती हूँ और आपका हम सुनने के लिए तैयार हैं आज का टॉपिक के बारे में। आइए सबसे पहले तो आप सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं, गुड इवनिंग टू ऑल। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन मैडम ने दिया है। चित्रा मैडम, आपको बहुत अच्छी शुभकामनाएं कि आपने इतनी टाइम देते हुए हमारे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही। बहुत खुशी होती है कि लोग जब आपसे परिचित होना चाहते हैं, तो ये खुशकिस्मती भी है। आज हम सबसे पहले तो धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे इस मंच का, जिस मंच ने पिछले 2-3 साल से बहुत ही बढ़िया काम किया और पूरे देश को जोड़ने की कोशिश की, पूरे देश की नॉलेज को एक साथ परोसने की कोशिश की। तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार है अनिल त्रिपाठी जी का, जिन्होंने जिनका ये प्रयास है, जिनके प्रयास से ये हुआ है और ये आगे भी बढ़ रहा है। और आगे बढ़ते हैं तो आज हम जिस बात के बारे में बात करना चाहेंगे वो है हमारी त्रिपुरा स्टेट जो है उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है। बहुत सारी चीजें हैं, आजकल अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 ईयर
सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, और अगले ही कुछ ही दिनों में 15 अगस्त आने वाला है, जबकि 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का समापन होगा और 76 इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करने जाएंगे। और इस जो महेंद्र समय है, सो इस समय पर हम पूरे देश भर से एक नारा आगे बढ़ रहा है कि हमें जो कुछ बाकी है, जो हम जानते नहीं है, अनसंग स्टोरीज जो है हमारी स्वाधीनता की, हमारी स्वतंत्रता की, उसको हमें समेटना है, उसको हमें एसिमिलेट करना है, उसी से सीख लेके आगे बढ़ना है। तो उसी कड़ी को हम जोड़ना चाहते थे एक नई आगाज की ओर से, कि त्रिपुरा स्टेट की क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, जिससे कि आम जनता परिचित तो है लेकिन उस तरीके से उस पर अभी भी ध्यान नहीं गया है। आजकल बहुत सारी जगहों पे एक रिसर्च चल रहा है अनसंग स्टोरीज, अनसंग हीरोज, अनसंग हीरोइंस, इस तरह की, और उसी का आधार मानते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है त्रिपुरा में। आप मेरे पीछे जो स्क्रीन दिख रहे हैं, ये एक यूनिक आइकॉन है त्रिपुरा का, जिसको हम उज्जैन रॉयल पैलेस बोलते हैं। ये 100 साल हो गया है इस पैलेस को, और ये पहले राजा राजवारे जो थे त्रिपुरा में, प्रिंस स्टेट था, उन राजाओं का महल था। 1901 साल में ये बना था, और इनके बनने के बाद से एक आगे बढ़ा जो इतिहास के साथ, तो 1949 तक जब त्रिपुरा प्रिंसली स्टेट था, और इसके बाद जब त्रिपुरा भारत के साथ मिल गया और मर्जर हो गया 21 अक्टूबर 1949 में, तब इसको रॉयल गेस्ट पैलेस से कन्वर्ट करके उसको हम ले लिया गया, और उस पर विधान परिषद जिसको बोलते हैं उसका झंडा लगा दिया गया, और उस हिसाब से ये आगे बढ़ रहा था। जब त्रिपुरा पूर्ण राज्य बना, फुल स्टेट, उसको स्टेटहुड मिला, और दिस इज 21 जनवरी 1972 को, तब इसको असेंबली की तरह हिसाब से लिया गया इस पैलेस में। त्रिपुरा स्टेट असेंबली बैठता था, और तब से लेके ये असेंबली है, और बाद में 2006 के करीब ये कन्वर्ट होके इसमें इसको नॉर्थ ईस्ट का लार्जेस्ट टूरिज्म प्लेस, और त्रिपुरा का स्टेट म्यूजियम, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का भी लार्जेस्ट स्टेट म्यूजियम के तौर पे इसको लिया गया है। अभी आप इसमें अंदर भी जा सकते हैं, जब ये असेंबली था उसके अंदर जाना मना था, लेकिन आप इसमें विजिट कर सकते हो। तो वी वेलकम ऑल ऑफ यू टू विजिट त्रिपुरा, स्पेशली दिस पैलेस। त्रिपुरा की जो भौगोलिकता है उसकी बारे में अगर हम देखें, तो त्रिपुरा इज ए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। त्रिपुरा भारत की पूर्वोत्तर में जो राज्य है, जिसको अष्टलक्ष्मी भी बोलते हैं, और कभी कभी 7 बहन और 1 भाई, इस तरह से भी राज्यों को संबोधित किया जाता है, 7 sisters 1 brothers की तरह। तो उस जगह की, नॉर्थ ईस्ट की एक शानदार टेरिटरी है त्रिपुरा, जिसके तीनों ओर बांग्लादेश का इंटरनेशनल बॉर्डर है, और एक ओर से ये लगा हुआ है मिजोरम और असम से। आपको अगर त्रिपुरा में आना है तो आप एरियल डिस्टेंस पार करके कलकत्ता से आ सकते हैं, गुवाहाटी से आ सकते हैं, या फिर दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट है, 12,000 किलोमीटर डिस्टेंस एरियल आप आ सकते हैं। लेकिन आपको अगर बाय रोड आना है तो त्रिपुरा से आपको
कलकत्ता से होके बहुत सारी स्टेट पर गुजरते हुए, असम से गुजरते हुए, मेघालय से गुजरते हुए फिर त्रिपुरा में आना होगा और अगरतला तक पहुंचना होगा। त्रिपुरा की एक विविधता है क्योंकि ये हिमालय के एक छोर पे है और यहाँ पे हिल बहुत सारे हिल है, हिली एरियाज है और इस जियोग्राफी पर बनते हुए इस स्टेट में हिली एरिया के साथ साथ बहुत सारी प्लेन लैंड भी है। एक समय था ये पूरा स्वाधीन एक स्वतंत्र राज्य था, राष्ट्र था जिसको हम त्रिपुरा बोलते थे। ये त्रिपुरा नाम भी बहुत ही अनूठा है, इसके साथ कुछ तो माइथोलॉजी जुड़ा हुआ है और कुछ हद तक इसके साथ जुड़ा हुआ है साइंस। हम अगर इसके पीछे जाए तो त्रिपुरा की एक बहुत ही अभूतपूर्व तीर्थ है, पिलग्रिमेज है जहाँ पे हिंदू लोग जाते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं। ये त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल जिसे कछुआ पीठ भी बोलते हैं क्योंकि ये जो कूर्म पीठ भी बोलते हैं क्योंकि ये जो टेम्पल है उस वो एक हिल पर सिचुएटेड है और हिल का जो आकार है वो टॉर्टोइस जैसा है तो उसको कूर्म पीठ भी बोलते हैं। और अगर हम माइथोलॉजी की तरफ जाए तो माना जाता है कि भगवान शिव जब सती माता की देहांत हो गया था तो उनको कांधे पे लाद कर पूरे विश्व को घूम रहे थे तो उस दौरान विनाश का जो दारोमदार था उसको रोकने के लिए विष्णु भगवान जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया था और उस चक्र से पूरे सती माता की टुकड़े टुकड़े करके पूरे ब्रह्मांड में बिखेर दिए थे। माना जाता है कि उसी वक्त उनका कुछ अंश इस पीठ पर गिरा था और वहां पे ये मंदिर बनाया गया। लेकिन वैज्ञानिक तौर पे एक अनूठी बात यह है कि 500 साल पुराना यह मंदिर जो कि त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है जिसके नाम पर माना जाता है कि स्टेट का नाम हुआ, इस राज्य का नाम हुआ त्रिपुरा, उस मंदिर को इस तरह से चुनकर उस जगह को उस तरह से चुनकर बनाया गया कि उस जगह पर बेसिकली ऊपर से इस जगह के ऊपर से हमारी जो कैंसर लाइन है, कर्कट क्रांति रेखाएं है वो गुजरता है। तो ये एक अनूठी चीज है, एस्ट्रोनॉमिकली ये एक हेरिटेज साइट है जिस पर हमारी त्रिपुरा की ओर से भी दबाव डाला जा रहा है कि इसको एस्ट्रोनॉमिकल हेरिटेज साइट के हिसाब से उस मंदिर का एक डिक्लेयर किया जाए, उसकी घोषणा की जाए कि ये एक एस्ट्रोनॉमिकल हेरिटेज साइट है क्योंकि 500 साल पहले जब वो राजवारों का जमाना था लेकिन उस वक्त उतना सारा जीपीएस सिस्टम भी नहीं था, तब के टाइम पे लोगों का उस जगह को चुनना और वहां पे मंदिर बनाना ये एक अनूठी चीज है। आप कभी आए तो उस मंदिर पर जरूर जाए और वहां पे आपको एक अच्छी खासी इतिहास सुनने का, समझने का और इसके साथ ही विज्ञान को भी समझने का मौका मिलेगा। 500 साल पहले किस तरह से लोग जीपीएस सिस्टम को समझते हुए उस कैंसर लाइन को चुनते हैं और वहां पे उसी लाइन को आधार मानते हुए उस लाइन पर ये मंदिर निर्माण किया जाता है और उसके अंदर जो प्रतिमाएं हैं उसको भी उसी लाइन पर 500 साल पहले किस तरह से बैठाया गया उसके बारे में वहां पे जिक्र किया गया है। इसके साथ त्रिपुरा का नाम के पीछे कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि लोकल लैंग्वेज जो है हमारी यहाँ जो भाषा वो सबसे ज्यादा बोली जाती थी और बोली जाती है वो है एक ट्राइबल लैंग्वेज, ये है कॉक बोरोक। कॉक मीन्स माइन एंड बोरोक मीन्स लैंग्वेज, हमारे अपनी लैंग्वेज इस तरह से मानना है। जो हमारी जो ट्राइबल लोग हैं उसमें उनको महारत हासिल है वो ही
इस भाषा की को बोल सकते हैं। बाकी हम आप लोग उस भाषा को समझ तो लेते हैं लेकिन उतना फ्लुएंटली बोल नहीं पाते हैं, याद रखना भी मुश्किल होता है। तो उस भाषा में जो तुई प्रा दो वर्ड है जिसको इमोटोलॉजी के लिए अगर हम चुनते हैं तो उसका मीनिंग हमें मिलता है कि तुई का मतलब है पानी और प्रा का मतलब है नजदीक। मतलब एक टाइम पर जब राजा राजवाड़े लोग इस जगह पे अपनी शासन चला रहे थे तब की टाइम पे ये जगह शायद ऐसी एक मुकाम पर था जहां से समुंदर बहुत पास था। माना जाता है कि समुंदर मतलब बे ऑफ बंगाल जो है हमारे सबसे नजदीक है। आजकल भौगोलिक कार्टोग्राफी के कारण शायद ही हम पिछड़ गए हैं और हमारा जो टेरिटरी है थोड़ा लैंड लॉक हो गया है। लेकिन एक वक्त था जब ईस्ट पाकिस्तान या बदलते हुए जमाने के साथ जो बांग्लादेश तैयार होके है वो भी उसका भी कुछ हिस्सा इस त्रिपुरा के राजवाड़ों के राज के अंदर था और ये फैलाया हुआ था समुंदर तक। और इसी हिसाब से ये जो त्रिपुरा नाम है इसको लिया गया क्योंकि तुई मतलब पानी और जिसको समुंदर के साथ जोड़ा जाता है और प्रा का मतलब है नजदीक और मतलब समुंदर के नजदीक वाला एक स्टेट। इस त्रिपुरा की जो इतिहास है वो वैसे तो बहुत सारी चीजें माइथोलॉजी से आती है लेकिन बहुत सारी चीजें साइंस की ओर भी बढ़ गया। माइथोलॉजी से कैसे आया, हमारा त्रिपुरा का जितने भी राजा राजवाड़े थे वो सभी एक डायनेस्टी बिलोंग करता था जिसको माणिक्य डायनेस्टी माना जाता है। माना जाता है कि त्रिपुरा में बहुत सारी बड़ी बड़ी जो माणिक मिलता था मतलब जो भी डायमंड है या फिर इस तरह की जो चीजें है हीरा चुनी पन्ना जिसको बोलते हैं हम और जिसका ज्वेलरी में बहुत ही खासियत है, इस तरह की चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलती थी जगह जगह पे पहाड़ों पे। और उस चीजों के जरिए जो धन है वो इकट्ठा होता था और वही ये धन के अनुसार इन राजा राजवाड़ों को स्पेशली एक टाइटल दिया गया और वो था माणिक्य। तो वो राजा राजवाड़े अपने नाम के पीछे माणिक्य शब्द का इस्तेमाल करते थे। आज भी ये जारी है, जो राजा लोगों के वंशज है वो अपने नाम के साथ इस शब्द को जोड़ते हैं। तो ये एक अनूठी बातें है जो उभर कर आजकल सामने आ रही है। तो ये डायनेस्टी माणिक्य डायनेस्टी करीब करीब 120 राजा लोग यहाँ पे थे और इसके बाद ये राजतंत्र का खत्मा हो गया और त्रिपुरा स्टेट मार्जर हो गया रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ। जब 1947 में कि 15 अगस्त को भारत की आज़ादी हुई इसके बाद 20 अक्टूबर के महीने में 1949 को करीब करीब एक दो साल के अंदर त्रिपुरा का मार्जर हो गया भारत के साथ और त्रिपुरा एज ए यूनियन टेरिटरी पहले तो इंडिया के साथ जुड़ा रहा और बाद में 21 जनवरी 1972 को इसको स्टेटहुड माना गया, स्टेटहुड दिया गया और यहाँ पे इसको स्टेट मानते हुए यहाँ पे असेंबली का निर्माण किया गया। ये जो साल है 2021 से ये त्रिपुरा का 50 ईयर्स का साल है, अपना 50 ईयर स्टेटहुड का 50 ईयर मना रहा है त्रिपुरा। और इसके साथ ही हम स्वतंत्रता के 75वीं जयंती भी मना रहा है और जो अनसंग स्टोरीज है त्रिपुरा का उसको भी हम कैरी फॉरवर्ड करने जा रहे हैं। त्रिपुरा की सबसे बड़ी बात है राजा राजवाड़े होते हुए भी त्रिपुरा रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा रहा और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी इसकी बहुत सारी काम है। हम अगर एक
तरीके से शुरुआत करें तो आखिरी जो चार राजा थे, सबसे पहले तो वीर चंद्र माणिक्य जी, और फिर हमारे साथ आए राधा किशोर माणिक्य जी, और फिर इसके बाद आए वीरेंद्र किशोर माणिक्य जी, और आखिर में वीर विक्रम माणिक्य जी, जो आखिरी राजा थे त्रिपुरा के। ये आखिर वाला चार राजा जो माणिक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने इस पीछे जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसी राजमहल में अपनी जिंदगी बिताई और त्रिपुरा की साथ पूरे दुनिया को जोड़ने की एक अनूठी प्रयास किया। त्रिपुरा बेसिकली ट्राइबल बिलोंग करता है और ट्राइबल्स लोग इस यहाँ पे ज्यादा रहते थे, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज थी, वैसे तो ककवरक एक ही लैंग्वेज है, लेकिन देखा जाता है, माना जाता है कि यहाँ की ट्राइबल लोगों की अपनी अपनी कस्बों में अपनी अपनी लैंग्वेज चलती है, और लगभग 19 ट्राइबल है और उनकी अलग अलग डायलेक्ट है, तो करीब करीब 30 से 35 डायलेक्ट वो लोग बोलते हैं। लेकिन आखिर में जो मेन लैंग्वेज और डायलेक्ट है वो है ककवरक। लेकिन राजा लोग मानते थे कि त्रिपुरा को आगे बढ़ना चाहिए, स्टेट को बहुत आगे जाना चाहिए, और इसीलिए राजा लोग बंगाली लैंग्वेज को बहुत ही आगे इस्तेमाल करने की सुझाव रखे, और इन्होंने एज ए उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क थी उसमें बंगाली लैंग्वेज को बढ़ावा दिया, क्योंकि हमारी त्रिपुरा की जो दूरी है वो कलकत्ता से, जो तब की टाइम पे भारत की राजधानी भी हुआ करती थी और बहुत ही एक अहम पोर्ट हुआ करती थी, एक शहर हुआ करती थी पूरे भारत की नक्शे पे, पूरे भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी कलकत्ता बहुत ही एक जगह था, अहम जगह था, तो उसके साथ त्रिपुरा को जोड़ने की कोशिश भी हमारे राजा, इन चारों राजाओं ने प्रयास किया। एक बहुत ही अनूठी घटना के साथ हम आपको लिए चलते हैं इस घटना की ओर, कि तब के समय पे जब वीर चंद्र माणिक्य बहादुर जी थे, जिन्होंने बहुत सारी टाइम पे त्रिपुरा को एक दिशा दिया, एक नया दिशा दिया, एक मॉडर्न त्रिपुरा बनाने की मुहिम उन्होंने छेड़ी थी राजा होते हुए भी, तो उनके टाइम पे उन्होंने एक बार वो बहुत ही दुखी परिवेश में थे और उनका मन दुख से भरा हुआ था, क्योंकि उनकी जो प्रेमिका थी, उनकी जो क्वीन थी, उनका देहांत हो गया था। तो उस वक्त वो कुछ पोएम्स लिख रहे थे, जिन पोएम्स को बेसिकली हम अगर देखें तो उसको कृष्ण भगवान की स्तुति के तौर पे ही देखते हैं। तो उस पोएम की जब वो लिख रहे थे, उसी वक्त उनको एक कलकत्ता से एक किताब उनको मिला, जिसका नाम था द ब्रोकन हार्ट, बंगला में भग्न हृदय उनको मिला, वो भी ऑलमोस्ट पोएम की तरीके से ही लिखा हुआ है, लिरिटिक फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ये एक नोवेल है। तो उनको वे जब मिला तो वो इसको पढ़ने लगे, और जब वो उनको पढ़ने लगे तो उन्होंने पाया कि उस कहानी में कहीं ना कहीं उनके ही जो दुख है उसका बयान किया गया है। तो वही दुख जो उनको उनके दिल में था, जो वो मान रहे थे कि इसको, ये मेरा दुख है, मेरा रानी का देहांत हो गया, तो उनको लगा कि वही बातें उस किताब में है, तो वो उनका आंखें भर आई, उनका दिल उभर कर आया, और उन्होंने अपने लोगों को बुलाया, उनके मंत्री जो थे राधा रमन जी, उनको बुलाया और उनको बोला कि ये जो किताब लिखा उस पोएट को बुलाओ और हमारे राम पास उनको लेके आओ, हमारे राज के दरबार में उनको लेके आओ, उनको हम राज कवि के रूप है।
हैसियत से लेना चाहते हैं। तो उनकी तरफ से जो एम्बेसडर थे कलकत्ता में वो वहाँ पे गए और जोरा शाह को ठाकुरबाड़ी में वो जाके रुके। वहीं पे उन्होंने पूछा कि ये किताब किसने लिखा, तो पता चला कि बहुत ही छोटे उम्र के 12-14 साल के उम्र के एक लड़के ने ये किताब लिखा था ठाकुर फैमिली से, जो आगे चल के जिनको रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे पूरा देश जानता है। तो तब के टाइम पे राजा ने उनको सम्मान किया और राजा ने उनको पहली बार उनकी जिंदगी में पहली बार किसी प्रदेश के राजा ने रविंद्रनाथ टैगोर को एज ए पोएट एज ए कवि की तौर पे कुछ उपहार दिया और उनको एक अभिनंदन पत्रिकाएं भी दे के उनका सम्मान किया। तो ये एक अहम चीज है कि हमारे देश के एंथम जो हमारी नेशनल एंथम है उसको जिसने लिखा, न केवल हमारी देश की, हमारी नाइबोरिंग कंट्री बांग्लादेश की और नाइबोरिंग कंट्री श्रीलंका की भी जो नेशनल एंथम है उसको जिसने लिखा, और शायद दुनिया भर में एक रविंद्रनाथ टैगोर ही ऐसे अकेले व्यक्ति होंगे जिनकी अपनी 3 कविताएं 3 देशों में एज ए नेशनल एंथम गाया जाता है उसको मौका मिला। तो एक ऐसी व्यक्ति को रविंद्रनाथ टैगोर जी को 12-14 साल की उम्र में पहली बार जब एक अवार्ड मिला, एक सम्मान मिला, वो दिया गया था त्रिपुरा के राजा की ओर से, और वो राजा थे महाराजा वीरचंद्र माणिक। लेकिन इस तरह की जो जिक्र है, सूचनाएं हैं, आज भी इवन शांति निकेतन जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने फाउंड किया और आज इसका बहुत ही उम्दा नाम है पूरे देश दुनिया में, वहाँ पे भी इसके जिक्र बहुत ही कम है। अगर हम देखें तो कलकत्ता में रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी जो है, जो इंस्टीट्यूट रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म स्थली पर बना हुआ है, वहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये चीजें ये बिंदुए को छूने की कोई कोशिश नहीं है। तो ये सब एक इतिहास है जो कि हमें संजो के रखना चाहिए, हमारे लिए ये एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकती है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे साल हो गया था, शायद रविंद्रनाथ टैगोर भी भूल चुके थे कि कब इनको पहली बार इस कम उम्र में कवि की रूप में उनको सम्मान मिला था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब वो ट्रेन से गुजर रहे थे, रात का समय था, वो कुछ धुंध में थे, उनकी नींद ठीक से पूरी नहीं आ रही थी और दिमाग में कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही थी, कुछ ऐसी बातें उनकी दिमाग में आ रही थी कि हमें उसे एक नोबेल लिखना चाहिए। तो एक नोबेल का प्लॉट उनके दिमाग में आ रहा था, तो उन्होंने उस नोबेल के प्लॉट को कनेक्ट करने की कोशिश की त्रिपुरा से। उन्होंने एक चिट्ठी लिखा, आजकल हम अगर बातें करें तो भारत में एक मुहिम चल रहा है कि हमें अपने देश की कैलेंडर फॉलो करनी चाहिए थी, लेकिन तब जब भारत पराधीन था, जो ब्रिटिश लोग रूल कर रहे थे, तब के टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर ने चिट्ठी लिखा था, उसका डेट था 23 बैसाख, जब अपने जन्म दिन की 2 दिन पहले उन्होंने चिट्ठी लिखा त्रिपुरा के महाराज को वीरचंद्र माणिक्य को, जिस महाराज ने पहली बार उनको कवि के रूप में सम्मान किया था और बताया कि मेरे मन में एक ऐसा प्लॉट है जिस पर मैं एक उपन्यास लिखना चाहता हूँ, एक नोवेल लिखना चाहता हूँ और उसका नाम होगा राजर्षि। राजर्षि एक राजा जो ऋषि की तरह अपना जिंदगी बिताए, इस तरह की नाम पर मैं एक नोवेल लिखना चाहता हूँ और मुझे इस तरह की इंफॉर्मेशन त्रिपुरा की तरफ से दिया जाए। महाराजा ने तुरंत इस पत्र का जवाब दिया
और उन्होंने तुरंत त्रिपुरा की जो इतिहास है, जहाँ पे जिस बुक में संजो के रखने की कोशिश किया गया, उस बुक से कुछ पन्ने निकल कर उनको भेजा गया। वो बुक का नाम था राज रत्नाकरम। पहले के जमाने में राजा लोग जितने भी काम करते थे, उनकी गुणगान गुणगथाएं लिखने के लिए कवि लोगों को बुलाया जाता था, और कवि लोग राजा राजवारों की गुणगथाएं अपनी तरीके से व्याख्यान करके किताब लिखते थे, और उस किताब में कुछ हद तक तो असलियत होता था, कुछ हद तक राजा लोगों को खुश करने की गुंजाइश होती थी, लेकिन उस किताब बहुत ही अहम होता है। और इस तरीके की एक किताब था राज रत्नाकरम, जिसको पंडित बानेश्वर और शुक्रेश्वर दो ब्राह्मण ने लिखा था। त्रिपुरा के राजाओं की जो गुणगाथाएं है वहाँ पे अंकित किया हुआ है। उस में भी एक अच्छी चीज है कि त्रिपुरा की इतने सारे डायलेक्ट है, त्रिपुरा की जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज है वो बंगला है, लेकिन उस ग्रंथ को संस्कृत में लिखा गया, मतलब वैदिक भाषा का प्रयोग किया गया, जो कि भारत की अहम संस्कृति का एक अंश है। तो वैदिक भाषा में ये त्रिपुरा का इतिहास, पहला इतिहास लिखा गया था, और उसी की एक कुछ पन्ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को भेजा गया। तो उस पर डिपेंड करके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बिना त्रिपुरा को देखे उसकी एक और एक अच्छी मंदिर, जिसको भुवनेश्वरी मंदिर बोलते हैं, मतलब पूरे भुवन की जो देवी है उसकी मंदिर है, उस मंदिर को एक पटभूमि के तौर पर रखकर इसको लिखा और इसका निर्माण किया गया, पूरे नोवेल का निर्माण किया उन्होंने, जहाँ पे उन्होंने बताया कि भगवान को भेंट में हम जो देते हैं उसमें कभी भी पशुओं का निधन नहीं करना चाहिए। पशुओं का निधन करके जो बोल नहीं पाते, जो मासूम होते हैं, वो ऐसी पशुओं को निधन करके उनको मार के भगवान को भेंट के रूप में या फिर भोग के रूप में चढ़ाना ये गलत है। यही बातें उन्होंने लिखा कि नो ब्लड वी नीड पीस, हमें रक्त की कोई जरूरत नहीं है, हमें भगवान प्रेम दे, हमें भगवान शांति दे, यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और उसी आधार पर ये नोवेल का रचना किया गया, जिसको बाद में एक ड्रामा के रूप में भी उन्होंने बदला और फिर से एक बार रीराइट किया खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो उसका नाम रखा सेक्रीफाइस विसर्जन इमर्शन। और उस नोवेल को और इस ड्रामा को उन्होंने खुद भी प्ले किया था अपने कलकत्ता की अपने घर की जो मंच है, जहाँ पे तब के जमाने की बहुत सारे लोग वहाँ पे आते थे, बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठते थे, शायद लिटरेचर, साइंस, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज और पॉलिटिक्स, पूरे देश की इन विविध क्षेत्र में दिग्गज लोग उनके घर में आते थे, और वहाँ पे चौपल पर बैठकर वो लोग डिस्कशन करते थे, और वहाँ पे कुछ प्ले, कुछ गीत संगीत भी लगता था, जलसा होता था। उस जलसे में बहुत सारी बार, कम से करीब करीब 3 से 4 बार खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने ही प्ले किया और काम किया, अभिनय किया, और उस मंच पर हम देखते हैं कि विसर्जन नाटक को भी, विसर्जन ड्रामा को भी प्ले किया गया। तो उस कड़ी को जोड़ते हुए जो चिट्ठी दिया गया राजा को, और जिसका उत्तर में राजा ने भी उपन्यास लिखने के लिए जो जरूरी कागजात थे, जो दस्तावेज थे, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को भेजे, उस तरीके से दोनों में एक बहुत अच्छी संबंध तैयार हुआ, संपर्क तैयार हुआ। और उसी के बेस पर
बहुत सारी टाइम पे करीब करीब 5 बार 7 बार 7 टाइम्स रविंद्रनाथ टैगोर त्रिपुरा में आए थे बाद में, लेकिन जब वो उन्होंने लिखा था अपनी किताब, अपनी नोवेल, अपनी उपन्यास, अपनी ड्रामा प्ले, तब वो नहीं आए थे, लेकिन बाद में राजा की हम निमंत्रण पर, राजा लोगों की इनविटेशन पर वो आए थे। वीरचंद्र माणिक्य जी से वो खुद तो मिले थे, लेकिन वो त्रिपुरा में आके नहीं मिल पाए थे। वो कालिम्पोंग जो कि पहाड़ों में है, वेस्ट बंगाल की पहाड़ों में है, वहाँ पे मिले थे। और कभी कभार तो उन्होंने राजाओं को अपने घर भी बुलाए थे, जो दस्तावेज उनके घर से बरामद हुई है वहाँ पे हम देखते हैं, जो कैश बुक है उस पर निशान लिखा हुआ है कि कितना खर्चा करके इन हमारे त्रिपुरा के राजाओं को उन्होंने खाना खिलाया था उनके घर पे। वो 7 बार त्रिपुरा में आए थे, 1899 में पहली बार आए थे, 1901 साल 1901 में दूसरी बार आए थे, 1905 में 3 बार आए थे, और 1919 में जब उनको नोबेल प्राइज मिला था जिस साल, उस साल भी वो त्रिपुरा में आए थे, और लास्ट 1926 में वो त्रिपुरा में आए थे। तो करिका अगर जोड़ते हैं हम तो 1899, 1901, 1905, 1919, 1926 इन यारों में वो 7 बार त्रिपुरा में आए थे, और 4 राजाओं से उनकी जो दोस्ती थी, उनकी जो एक रिलेशनशिप थी वो बना रहा। 4 राजा, पहले राजा वीरचंद्र माणिक, उनके बेटे राधा किशोर माणिक, उनके बेटे वीरेंद्र किशोर माणिक, और आखिरी राजा वीर विक्रम माणिक तक उनका संबंध था। और उनका ये संबंध आज भी ऐसा लगता है कि त्रिपुरा के साथ जुड़ा हुआ है। इन्हीं संबंधों के दौरान त्रिपुरा के महाराज ने कलकत्ता के बहुत सारे और भी जितने लोग थे, दिग्गज थे, लेखक थे, वह कवि थे, या फिर साइंटिस्ट थे, या उनके साथ वो जुड़े रहे। और माना जाता है कि जो लोग भारत के स्वतंत्रता के साथ भी जुड़े हुए थे उनसे भी राजा राजवाड़ों का संबंध था, और पूरा ये जो संबंध था वो था रविंद्रनाथ टैगोर की माध्यम से। रविंद्रनाथ टैगोर एक बार जब त्रिपुरा में आए थे तो उन्होंने त्रिपुरा में बांस की खेती को देखा, और इस बांस की खेती को देखते हुए बहुत सारी बांस त्रिपुरा में उगता है, करीब करीब 25 टाइप की बांस बैम्बो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस बात को देखते हुए उन्होंने इसकी जिक्र जगदीश चंद्र बोस जी से किया था। जगदीश चंद्र बोस जिस जो कि एक फिजिसिस्ट है, लेकिन बायोलॉजी से लेके वेब फिजिक्स तक उनकी जो तरंग विज्ञान है वहाँ तक उनकी फैलाव है, और उन्होंने बहुत सारी क्षेत्र में अपनी लेवल से आगे बढ़कर साइंस को साइंस मानते हुए, ना कि उसको सेग्रीगेट करते हुए, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री इस तरह से सेग्रीगेट करते हुए उनको देखा, और साइंस को मानते हुए उस पर काम शोध करते रहे। और रेडियो का भी आविष्कार उन्होंने किया था, जबकि हम उनको नोबेल प्राइज लेते हुए देख नहीं पाए, क्योंकि ब्रिटिश जमाने में उनको ये सहूलियत नहीं था कि वो उसका पेटेंट के लिए अप्लाई कर पाते और उसको दुनिया के सामने रख पाते। लेकिन ये सभी हम जानते हैं कि जीवों में, इवन एनिमल हो या प्लांट, स्पेशली प्लांट में जिंदगी है, ये एक लिविंग सेल है, और लिविंग सेल की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक प्लांट दिखाते हैं। ये पहले वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न साइंस में माना नहीं जाता था ठीक से, और उस पर
बहुत ही बहस किया जाता था, तो क्योंकि उस पर कोई शोध नहीं था, उस पर कोई विचार रखने वाला कोई टेक्निकल रिसर्च नहीं था, साइंटिफिक जो हम एनालिसिस करते हैं ये सब नहीं था, लेकिन जगदीश चंद्र बोस ने ये एनालिसिस करके क्रेस्कोग्राफ जैसे यंत्रों से, अपने हाथों से बनाए हुए यंत्र, इंडिजिनसली बनाए हुए यंत्र, अपने ही इनोवेशन से बनाए हुए यंत्र से उन्होंने इसका आविष्कार किया और उसको दुनिया के सामने रखते हुए ये प्रमाण किया कि जिंदगी पैरों में भी जिंदगी है, ट्री जो है, पैर जो है, उनमें भी हमारी जैसी संवेदनशीलताएं है और उनमें भी कुछ स्नायु जो हमारी नर्वस सिस्टम जैसी जो काम होती है वो उनमें भी है, ये उन्होंने प्रमाण करके दिखाया था, उनकी शोध से हमें पता चला, दुनिया को पता चला। लेकिन इस काम में जिंदगी पैरों में भी है, तो उसको शोध करने के लिए जो कुछ प्रयास उन्होंने किया था जगदीश चंद्र बोस ने, अपने ही छोटे लैब में इतनी बड़ी बातों को लेकर जिन्होंने कोशिश किया था, फिजिसिस्ट होते हुए भी बायोलॉजी की क्षेत्र को एक नया दिशा जिन्होंने दिया था, उन महानुभाव के को जो भी टूल चाहिए था उसके पीछे भी त्रिपुरा का महाराज वीर चंद्र माणिक्य और राधा किशोर माणिक्य जैसे योगदान है। राधा किशोर माणिक्य जी जो कि वीर चंद्र माणिक्य के बेटे हैं, उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी के कहने पर बैम्बू के कुछ रूट्स उनको भेजे थे, जिस पर शोध करके ही ये निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि पैरों में भी जान होते हैं। तो ये सब एक बातें हैं। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक समय ऐसा था कि जगदीश चंद्र बोस को लगा कि हमें अपनी देश में अपनी ही एक लेबोरेटरी बनानी चाहिए, अपनी ही एक शोध करने वाली एक प्रयोगशाला निर्माण करना बहुत जरूरी है। और उन्होंने आगे बढ़ते हुए प्रयोगशाला का निर्माण किया जिसका नाम उन्होंने रखा बसु विज्ञान मंदिर, और इंग्लिश में जिसको हम बोस इंस्टीट्यूट के नाम से आज हर कोई जानता है, और डीएसटी का एक प्रेस्टिजियस विंग है बोस इंस्टीट्यूट जो कलकत्ता में है, और उसका हेरिटेज साइट के साथ साथ उसके और भी आजकल बहुत सारे विंग सॉल्ट लेक और दार्जिलिंग में फैला हुआ है। तो उस जगह को बनाने में, उस बोस इंस्टीट्यूट बसु विज्ञान मंदिर को बनाने के पीछे भी जगदीश चंद्र बोस ने और त्रिपुरा के साथ एक संपर्क है। जगदीश चंद्र बोस ने तब की टाइम पे महाराजा को चिट्ठी लिखा था और अप्रोच किया था, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के थ्रू, कि हमें कुछ धन की आवश्यकता है जिससे कि हम ये काम देश की सेवा में और विज्ञान की साधना में उपयोग करके आगे ला सके। और इसके लिए उन्होंने जब मांगा तब त्रिपुरा के महाराज राधा किशोर माणिक्य जी की बेटी की शादी होने वाली थी, और उस शादी के धूम धड़क्के में बहुत सारी चीजें व्यस्तता थी और बहुत पैसा भी उस प्रोग्राम के साथ, उस शादी के जो रीत रिवाज थे उसमें हो रहे थे, उसमें काम हो रहे थे, और ऐसा भी चल रहा था कि शादी में जो बिटिया है महाराज की, जो बेटी है उसकी शादी थी, तो उसकी बहुत सारी चीजें बनानी थी, उनकी बहुत सारी स्वर्ण अलंकार भी बनानी थी, तो उन अलंकार में खर्चा भी होने वाला था। तो उस खर्चे में से ही देखा जाए तो महाराज ने कहा कि मेरी बेटी का कुछ कंगन तो कम हो
लेकिन देश की धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए, देश के विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जगदीश चंद्र बोस जी ने जो शुरुआत किया है शोध का, एक नई शोध का जो आगाज किया, उसमें खर्चा का कम नहीं होना चाहिए। और मेरी उन्होंने अपनी बेटी की शादी की जोरे से कुछ कंगन कम करके, उस खर्चे को कम करके, उस खर्चे से की जगह जो धन है वो धन पशु विज्ञान मंदिर, जो जगदीश चंद्र बोस की ड्रीम हाउस है, ड्रीम लैब है, उसकी बनने की जो नींव है उसके खर्चे में उन्होंने प्रदान किया था। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। और हम आगे देखें तो जगदीश चंद्र बोस उसके लिए उनको चिट्ठी भी लिख चुके हैं, और आज भी बहुत सारी म्यूजियम्स में, हमारी स्टेट म्यूजियम्स और शांतिनिकेतन के म्यूजियम्स में ये सब छुपा के रखे हुए हैं कि इन चिट्ठियों को रखा हुआ है संरक्षित रूप में, लेकिन उसको आज ओपन करना चाहिए, सबके सामने लाना चाहिए। ना केवल विज्ञान की क्षेत्र को आगे बढ़ाने के काम पे महाराजा लोगों ने अपनी बेटी की शादी की कंगन की जगह धन दिए थे, बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी प्रतीत होता है कि और लेख उनकी जो लेटर्स है, जो चिट्ठियां है, जो चिट्ठी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महाराज को लिखा या महाराज ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को लिखा, उससे पता चलता है कि हमारे जो शिक्षण प्रणाली है उसको भी अच्छे से अच्छे करने के लिए कोशिश में राजा लोगों ने बहुत सारी योगदान किया था। क्योंकि तब के टाइम पे जब ब्रिटिश रूलिंग चल रहा था तो डिस्पैच हो या कोई और, लेकिन ब्रिटिश लोग पहले चाहते थे कि कुछ लोग इंडिया के उतना ही पढ़े लिखे कि उनकी कामकाज देखभाल कर सके, कुछ चिट्ठियां ड्राफ्टिंग कर सके और जो क्लरिकल काम है वो कर सके, क्योंकि उन्हें उन कामों के लिए चिट्ठी लिखने या चिट्ठी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम होते हैं जो इंग्लिश में करना पड़ता है, तो उनके लिए लंदन से लोक लाने लाकर करवाना कुछ दिक्कत वाला था। तो वो चाहते थे भारत के लोग उतना ही पढ़े, उतने ही उनका शिक्षण हो, उनका ही उतना ही उनका एडुकेशन हो कि उनके कामकाज चलते रहे, ना कि बड़े ओहदे पर कोई जा पाए, ना कि बड़े कुछ हायर एडुकेशन हो सके यहाँ पे। और उस दौर मुहिम पे उन्होंने कुछ तो लोगों को एडुकेशन तो दिया, लेकिन उस एडुकेशन को उस तरीके से उन्होंने तैयार करने की कोई कोशिश नहीं की, वो ढांचा ही नहीं था पूरे देश भर में। और इसके लिए उस जो कमी थी एडुकेशन सेक्टर में, उसको देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोलपुर शांति निकेतन में अपने ही ढंग से एक यूनिवर्सिटी का निर्माण किया, जिसको विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम पे आज हम जानते हैं और जिसका मान्यता दुनिया भर में है। और उस यूनिवर्सिटी को जब वो बना रहे थे तो उनके पास पैसा कम था, वो नोबेल तो जीत चुके थे, एशिया के पहले नोबेल लॉरिएट थे वो लिटरेचर के क्षेत्र में, उनकी किताब गीतांजलि जो था उस पर उनकी प्रयास के लिए, उनकी सोच के लिए उनको नोबेल कमिटी ने 1999 में दिया था, लेकिन उस पैसे से उनको कोई इतना लाभ नहीं हुआ कि वो एक कॉलेज का, एक यूनिवर्सिटी का, एक एडुकेशन का ढांचा निर्माण कर पाए। तो उनको हाथ फैलाना पड़ा, और जब वो हाथ फैलाने की सोचे तो पहला नाम जो उनके दिमाग में आया वो था त्रिपुरा, क्योंकि उनको पहली बार त्रिपुरा से ही एज ए पोएट कवि के रूप में सम्मान मिला था। वो इसका जिक्र अपनी किताब, अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है जीवन स्मृति, उसमें भी जिक्र कर चुके हैं कि पहली बार मुझे किसी ने कवि के रूप में सम्मान किया है तो त्रिपुरा ने किया है। और हम और भी जगहों पे उनके जो चिट्ठियां है वहां पे भी अगर हम झांकी दे झांके
तो हम देखते हैं कि वहाँ पे भी उन्होंने इसका एक्नोलेजमेंट किया है, उन्हें बहुत ही कृतज्ञ चित्त से उन्होंने इसका जिक्र किया है। तो उन्होंने पहली बार त्रिपुरा से ही मांगा कि मैं एक एजुकेशनल सेक्टर बनाना चाहता हूँ जहाँ बच्चे खुले आयाम में अपना दिन गुजरते हुए अपनी पढ़ाई कर पाए, खुले में, ना कि कोई क्लासरूम के अंदर आउट ऑफ क्लास उसको एनवायरनमेंट और नेचर में बैठते हुए, किसी पेड़ के नीचे बैठते हुए उसमें हम झाके और उसको हम अनुभव कर पाए और प्रकृति से ही हम सीखे, इस तरह की एक सोच लेके उन्होंने इस स्कूल का निर्माण किया। आज वो यूनिवर्सिटी के रूप में सबके सामने है और मान्यता भी प्राप्त है। तो इस विश्व भारती के निर्माण के दौरान उन्होंने जो पैसा पहले मांगा, जिससे मांगा, वो त्रिपुरा स्टेट था। तब के समय पे राधा किशोर माणिक्य जी थे जिन्होंने उनको पैसे भेजे और उनके साथ बच्चे भी वहाँ पे भेजे। त्रिपुरा से बहुत सारे बच्चे उनके स्कूल में गए और वहाँ पे पढ़ाई किया और हर साल हर महीना वो पैसे भेजते रहे स्कॉलरशिप के नाम पे या फिर डोनेशन के नाम पे त्रिपुरा की ओर से। ये एक भेंट था, ये एक सम्मान था रविंद्रनाथ टैगोर जी को और पूरे एजुकेशन सिस्टम को, जिसके दौरान आज हम अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें, आजकल NEP 2020 का निर्माण हुआ है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने आगाज किया, 38 ईयर्स के बाद इसका NEP आया है और जिनके हाथों से आया है, ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन के तौर पे वहाँ पे थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी, जो इसरो के वैज्ञानिक है, एक यशस्वी वैज्ञानिक है। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं पे रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो एडुकेशन पर सोच थी उसका हम एक रूप देखते हैं, जो रूप को इम्प्लीमेंट करने के काम पे त्रिपुरा का एक बहुत बढ़िया योगदान था। तो ये इस तरीके से आगे बढ़ते हुए रविंद्रनाथ टैगोर 1926 तक लास्ट त्रिपुरा में आए और 7 बार त्रिपुरा में वो गुजर कर त्रिपुरा के साथ तब की टाइम पे कलकत्ता के जितने भी दिग्गज थे उनके साथ त्रिपुरा की मेल जोल बढ़ाई और एजुकेशन सिस्टम और साइंस एजुकेशन और रिसर्च को आगे बढ़ाने की कोशिश किया। साथ ही पॉलिटिकल चेंजेस जो हो रहे थे उसके साथ भी त्रिपुरा को जोड़ने की कोशिश की। तो इसी हिसाब से हम देखते हैं तो त्रिपुरा भारत की स्वतंत्रता के संग्राम में एक तरह से इंडिपेंडेंट स्टेट, प्रिंसली स्टेट होते हुए जुड़ा रहा और बाद में जब ये प्रिंसली स्टेट अपने आप में बहुत ही आत्मनिर्भर हुआ तो साइंटिफिक रिसर्च, साइंस और एजुकेशन की एक्सपेंशन और इवॉल्व में भी इंडिया की जो एजुकेशन इवॉल्व है उसमें भी अपना योगदान रखा। इस तरीके से त्रिपुरा की एक अहम भूमिका रहा भारत की विज्ञान साधना में, भारत की शिक्षा की प्रगति में और इस प्रगति को हमें आगे बढ़ाना है और त्रिपुरा की ये जो सोच है उसको भी दर्ज करना है इतिहास के खोए हुए पन्नों से। तो इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। पूरा एक घंटे के करीब करीब ये व्याख्यान आप लोग हमारे साथ सुने और मुझे अच्छा लगा कि मैं यहाँ पे त्रिपुरा के बारे में कुछ बता पाया आप सबको। एक बार फिर से आप सबको मेरी ओर से त्रिपुरा में स्वागत, आए एक बार त्रिपुरा घूम के जाए और उसके जितने भी अनसंग स्टोरीज है वो आप खुद यहाँ पे आके सुन के जाए और उसको अपने दिल में उतारने की एक मौका भी दे। और इसी के साथ आज की शाम हम इस मन से आप सबकी खुशहाली की कामना करते हैं और आप सबको धन्यवाद। थैंक यू।